सुफरा को कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म खारजा पॉलिसी के विजन से इन शुरका को आगाह करेंगे। अनवर अब्बास वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात लेंगे। अनवर, पाकिस्तानी सुफरा को वतन बुलवाया गया है, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, क्या क्या चीज़ें ज़ेरे बहस आएंगी इसमें? जी, एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है जिसका हर साल इनेकाद किया जाता है। गुज़श्ता बरस भी इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इलाकाई मसाइल तरक्की और बाहमी मुस्की के हवाले से किया गया था। कल ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज हो रहा है जिसमें नौ बड़े ममालिक के दारुल हुकूमतों में जो सफीर और कसीर जहती इदारे जो है उनको कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शरीक होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तानी सफीर हैं वो अपने मुतलका शोबों में होने वाली तब्दीलियों, दरपेश चैलेंजेस और मुख्तलिफ शोबों में जो मौके मौजूद हैं उससे हुकूमत को आगाह करेंगे, जबकि आखिरी दिन वज़ीर आज़म को जो है कॉन्फ्रेंस के नतीजे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। और वज़ीर आज़म कितने रोजा कॉन्फ्रेंस होगी? जी, ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस है और वज़ीर आज़म इसके आखिरी दिन जो है वो। अनवर अब्बास, तफसीलात के लिए शुक्रिया, अपडेट कर रहे हैं आप। नौ बड़े ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सुफरा को पाकिस्तान में दावत दी गई है, कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है और कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ इन तमाम सुफरा से खताब भी करेंगे।